नमस्कार मो चैनल रे आपण मानको स्वागत। आज आम बनैवा चाउल चूना नड़िया गोटे नुआ प्रकार मिठा ताप आमको ये सब जिनस दरकार। प्रथम आम दरकार चाउल गुंड, मुझे गोटे कप चाउल गुंड नहीं बजार चाउल गुंड भी किणिकी आनीपरिवे, ना घरे अरुआ चाउल दी घंटा भिजेक पा छाणी गोटे कपड़े सुखी ग्राइंड कर छाणीदे आम चाउल गुंड तैयारी हो। सुखा क्षीर नहीं अधा कप गोटे नड़िया को ऊपर चोपा छड़े छोट छोट काटिक चीनी नहीं 50 ग्राम बादाम पिस्ता को छोट छोट काटिक नहीं गुजराती भी छेचिक नहीं क्षीर एवं ये नड़िया को गोटे जार देदबा से आम पा पकईबानी ताको ग्राइंडिंग कर नवा। ये देखो नड़िया को ग्राइंडिंग करमी पेस्ट हवा दरकार। एबे आम चाउल गुंड भाजी मु गैस पर गोटे कढ़ई रखी से चाउल गुंड पकईद गैस ऑन कर दे 5-6 मिनट आम लगातार एमती भाव भाजवा सीम्रे भाजवा ना हाई फ्लेम देदेले कलर चेंज हो मीठा आम कलर चेंज हो धला रही एमती भाव लगातार आम डांग तले लगवाक दबानी ये मीठा खाया को बहुत भल लगे। आप निश्चय थरे ये मीठा घरे बने ही खातु देखिए बहुत भल लगे कम खर्च घरे जिनस मीठा या देखु चाउल चूना आम भाजी हो गला 5-6 मिनट हो गला एवं आम गैस अफ करद चाउल चूना को मुझे प्लेट बाहर करने कढ़ाई में आम 2 कप क्षीर पकेबा गोटे कप चाउल चूना को 2 कप क्षीर एबे से आम चीनी पकईद क्षीर को टिके गरम हाँपाई छाड़ीद क्षीर टे गरम हो गला से आम क्षीर पाउडर पकईद क्षीर को फुटवा छाड़ा ये देखते क्षीर आम फुट आस नड़िया ग्राइंडिंग कर रखी थे पकईद ये खाली अल्प फुटवा छाड़ा आम ये देखो ये फुटिगला अल्प अल्प करके चाउल चूना पकाऊ डांगा मुंडा हाँपाई छाड़बानी एमती भाव धीरे धीरे चाउल चूना पकईकी डांगेबा एमती भाव लगातार डांगा तले लगवाक दबानी एबे आमे सेथिरे गुटे चम्मच घी पकेद घी पकवा द्वारा तो टेस्ट आहुरी बहुत बढ़िया लगे एमती भाव आम डांगा फ्लेम स्लो मीडियम रखा तले लगवाक दबानी एबे आमे सेथिरे गुजराती गुंड पकईद एमती भाव लगातार डांगा टू फर्म को आसा पर्यटन डांगेबा आम टे पेस्ट नहीं देखा ये देखता गुला बनुच्छे आम ये तागला एम गैस अफ करद एम गोटे केक बर्तन ना से आम बटर पेपर देद जदि आप बटर पेपर नक बर्तन में खाली घी लगेदे जदि केक बर्तन भी नाप गोटे प्लेट भी तक जमे पारे से बटर पेपर उपर अल्प घी लगेद आम आलमंड पिस्ता एमती भाव पकईद
ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡ କରିକି ଆମେ ରଖିଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ସେ ଚାଉଳ ପେଷ୍ଟକୁ ସେଥିରେ ଆମେ ପକାଇବା। ଏମିତି ଭାବେ ଆମେ କୁସୁଣୀରେ ଏମିତି ଭାବେ ଆମେ ଚାରିପାଖ ଦବେଇ ଦେବା। ଗୋଟେ ତାଟିଆ ତଳେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଘିଅ ଲଗାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଦବେଇକି ଆମେ ମିଠାକୁ ସେଟ୍ କରିବା। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମିଠା ଭଲ ଭାବରେ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆମେ ତା ଚାରିପାଖରେ ଏମିତି ଭାବେ ସେଟ୍ କରିଦେବା। ଆକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଆମେ ରଖିଦେବା। ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିବାର ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ମୁଁ ବାହାର କରି ଆଣିଛି। ଏବେ ଆମେ ସେ ମିଠାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାହାର କରିନେବା। ଏମିତି ବଟର୍ ପେପର୍ ଉଠେଇକି ସେ ମିଠାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଏବେ ଆମେ ସେ ମିଠାକୁ ପିସ୍ ପିସ୍ କାଟିନେବା, ଆପଣଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯେମିତି କାଟିପାରନ୍ତି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡେ ମିଠା ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଚାଉଳ ନଡ଼ିଆ ମିଠା ଆମର ତିଆରି ହେଇଛି। ଆପଣ ଇଏ ନଡ଼ିଆ ଚାଉଳ ମିଠା ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ। ଇଏ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଘରେ ଥିବା ଜିନିଷରେ କମ୍ ସମୟରେ ତିଆରି ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇବେ, ମୋ ନୂଆ ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ।